हमने सुना है गुरु जी तुम्हारी महिमा परम्पार। हम पर कृपा करो, हृदय में वास करो गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के YouTube चैनल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ फाजिल्का की नई आबादी इस्लामाबाद में, जहाँ पर संत जगदीश मुनि जी का न्यूरो हीलिंग शिविर जारी है। 10वें दिन 4500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इलाज ले चुके हैं। 10 दिनों में यहाँ पर 4500 लोग अपना इलाज करवाने के लिए पहुँचे हैं। देखिए, इस प्रकार से संत जी के शिविर में लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। संत की सेवा के यहाँ के लोग फैन हो चुके हैं। बिना दवाई अपना इलाज करवाने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, जिसकी लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिल्का की नई आबादी इस्लामाबाद में गंजू हस्ता रोड पर संत जगदीश मुनि जी द्वारा 15 दिवसीय न्यूरो हीलिंग शिविर लगाया गया है। फाजिल्का में संत जी द्वारा काफी लंबे अरसे के बाद यह शिविर यहां पर आयोजित किया गया है, जिसमें अनोखी थेरेपी न्यूरो हीलिंग द्वारा लोगों का इलाज किया जा रहा है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिल्का में संत जगदीश मुनि जी के न्यूरो हीलिंग शिविर में आज आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरह से संत जी द्वारा निष्काम सेवा की जा रही है। यह सेवा किस प्रकार की है, आज संत जगदीश मुनि जी हमें बताएंगे कि किस प्रकार की सेवा है और कि उनका क्या लक्ष्य है। ये निष्काम सेवा है, रोगियों का इलाज हो रहा है और फाजिल्का की जितनी भी संगत आ रही है, तकरीबन 4000 से ऊपर संगत आ चुकी है और सारे तकरीबन ठीक है। जिस भी बीमारी के पेशेंट आए, चाहे वो क्रोनिक थे चाहे वो नॉर्मल थे, सभी ठीक है। सबका पूरी निष्काम भावना से इलाज हो रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्ज। और ये वो इलाज है कि आप हैरान हो जाएंगे, ये समझ लीजिए फिजियोथेरेपी से 6 गुना ज़्यादा इलाज। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट लेता है 200 रुपये, तो ये 1200 रुपये का इलाज बनता है अगर इसकी सेवा भी लगाए तो। लेकिन ये बिल्कुल संस्थान की ओर से और हमारी ओर से बिल्कुल निष्काम सेवा है जो कि हो रही है फाजिल्का के लिए। संत जी, आखिर लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, लोगों के बीमार होने का कारण क्या आप मानते हैं? बीमार होने का जो मेन मुख्य कारण है वो है आदमी की दिनचर्या गलत। सबसे बड़ा मेन मेजर कारण जो है दिनचर्या का गलत होना। मतलब आदमी का सोने का, जागने का, खाने पीने का और काम करने का नियम नहीं सही है, ठीक है। पहला कारण तो ये है, मतलब आदमी का दिनचर्या का जो सिस्टम है वो सारा ही गलत है, इसको आदमी को ठीक करना चाहिए। ये मेरा अपना हार्दिक अनुभव है और अपना भी अनुभव है, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल करके देखा है। तो बीमारी का मेन कारण है ना ही तो ज़्यादा खाना बीमारी का कारण है,
और ना ही पानी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ये थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं है, लेकिन अगर हमारी दिनचर्या सही है तो हम बिल्कुल फिट रह सकते हैं, ये मेन कारण है जी। आपको पता है कि मैं सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे तक योगा करवाता हूँ, योग की क्लास लेता हूँ, जिसमें पूरा योग करवाया जाता है, जीवन के बारे में पूरा ज्ञान दिया जाता है। और दूसरी बात ये रही कि पूरा शरीर को, अपनी बॉडी को कैसे फिट करना है, कैसे हमारे शरीर के अंदर आए रोग को ठीक करना है, वो सारी पोजीशन जो है, सारी एक्सरसाइज करवाई जाती है। मतलब इलाज, मैं तो खुद कहता हूँ कि इलाज 5 दिन का कोर्स है, आप 5 दिन करवाओ, उसके बाद आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर एक बीमारी है, जैसे अभी इनका आँख का इलाज मैं कर रहा था, तो इनको आँख की प्रॉब्लम है, तो आँख के लिए सिर्फ 5 दिन का इलाज है। आपकी बैक पेन है, बैक पेन के लिए सिर्फ 5 दिन का इलाज है। आपके घुटने की तकलीफ है, 1 हफ्ते का इलाज है। इस प्रकार आपको इस इलाज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि ये इतना बढ़िया इलाज, ये निष्काम सेवा आपकी रोज रोज कौन करेगा? मुझे तो हैरानी होती है, क्योंकि आजकल वक्त ऐसा चल रहा है कि अपने बच्चे अपनी सेवा नहीं करेंगे, उनसे सेवा नहीं होगी, क्योंकि वो इतने, क्योंकि पहले वक्त था, बच्चे माता पिता का कहना मानते थे, उनकी आज्ञा में रहते थे। आजकल बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं, तो हमें तो उनसे भी आस नहीं है। तो अपने शरीर को खुद फिट रखने के लिए सुबह जल्दी उठना शुरू करिए, और सुबह जो क्लास चलती है उसमें आइए। मैंने देखा इलाज के लिए तो 500 पेशेंट आ रहे हैं, योगा के लिए 50 भी नहीं आ रहे हैं, और जितने आए हैं अभी 30-40 लोग आ रहे हैं, लेकिन जो लोग आए हैं एक दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए, वो बिल्कुल परफेक्ट हुए हैं। उन्होंने महसूस किया है कि हमारा शरीर हल्का हुआ है और हम काफ़ी फिट हैं। तो फिटनेस के लिए योग की क्लास में आए और सारी बातें समझे, उनके बाद उसको प्रैक्टिकली डेली करें। ये नहीं कि 2-4 दिन मान लो क्लास में कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। जैसे रोटी खाना रोज जरूरी है, पानी पीना हमारा जीवन है, अन्न हमारा जीवन है, ऐसे योग भी हमारा जीवन है, और जो प्रकृति के नियम है उनकी पालना करना भी हमारा जीवन है। तो जीवन का सांस जुड़ेंगे तो जीवन मिलेगा, और जीवन से टूटेंगे तो बीमारी और मौत तो श्योर है जी। जी संत जगदीश मुनि जी हमें बता रहे थे कि आखिर बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपनी दिनचर्या ठीक करके बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। संत जगदीश मुनि जी से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।